कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पीनट स्वीट बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से मिलके ये मज़ेदार सी स्वीट तैयार होती है। तो चलते हैं हम इसकी रेसिपी की तरफ। 400 ग्राम गुड़ लिया है, 1 कप पीनट, दरमियानी आंच पे 3 से 4 मिनट तक हम पीनट को रोस्ट कर लेंगे और इसके बाद इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपने ज़्यादा रोस्ट कर लिया तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। गुड़ को मेल्ट करने के लिए हमें 1 कप पानी लेना है। नॉन स्टिक कढ़ाई ली है मैंने, इसके अंदर गुड़ शामिल कर दिया, पानी ऐड करूँगी और स्पून की मदद से इसको इतना चलाएंगे हम कि गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अब इसको मीडियम लो फ्लेम पे स्पून की मदद से हिलाते रहेंगे और इसको इतना पकाना है कि गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और मुस्तकिल इसके अंदर स्पून चलाते रहेंगे। थोड़ी ही देर में ये मेल्ट होने लगेगा। ये स्वीट बहुत मज़ेदार होती है, बहुत आसानी से तैयार हो जाती है सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं इसको, आप भी जरूर ट्राई करें। आहिस्ता आहिस्ता करके गोल्ड मेल्ट हो चुका है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा थिन है, हमें इसको थिक करना है। तो हम थोड़ी देर तक और पकाएंगे इसको। थोड़ी ही देर पकने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है, डार्क ब्राउन सा हो गया है। अब हम इसको चेक करके देख लेंगे स्पून की मदद से। हम थोड़ा सा फिंगर पे लगाएंगे और देखिए ये स्टिकी फॉर्म में आ गया है इस तरह। अब दूसरे 3 मिनट हम इसको और पकाएंगे ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए। फिर इसके अंदर पीनट्स ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये रेडी हो चुका है, अब हम स्टोव को ऑफ कर देंगे। ट्रे ले लेंगे हम स्टील की और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद इसको ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे और 5 से 10 मिनट तक इसको सेट होने देंगे। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब हम नाइफ में ऑयल लगाकर इसको पीसेस में कट कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पीसेस को कट कर लें। अगर बड़ा रखना चाहते हैं तो पीसेस को बड़ा कर लें, अगर छोटा करना चाहते हैं तो छोटी कटिंग कर लीजिए। मज़ेदार सी पीनट्स बहुत ही आसानी से तैयार हो चुकी हैं। जी फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी।